बीकानेर लव जिहाद का मामला तर तर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत आमने सामने हो गए हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द सुगम। जहां खबर की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान सहित भारत की तमाम खबरें मिलती रहें। आइए हम बात करते हैं खबर की। बीकानेर की प्रेम विवाह जैसी घटना से बालिका के माता पिता व परिवार जन भयभीत है, यानी पब्लिक पूरी परेशान है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती गई तो राजस्थान और पूरे भारत के अंदर ऐसी घटनाओं का कोई आर पार नहीं होगा, हमेशा ऐसी ही खबरें सामने आती रहेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत को आड़े हाथे लिया है। बीकानेर की प्रेम विवाह को लेकर कहा हनुमान बेनीवाल बोले कि ऐसी घटना जैसे बालिका के माता पिता व परिवार जन भयभीत है, बेटियां चाहे किसी भी धर्म की हो हमारी इज्जत है। हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर पुलिस व अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सर जी से राजस्थान सरकार से मांग की है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर सत्यता को सामने ला उचित न्याय किया जाए और कुछ लोग इस पर राजनीति, यह राजनीतिक मामला नहीं है, राजनीति नहीं करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत से निवेदन किया है कि इस मामले को निष्पक्ष जांच करें और राजस्थान की पुलिस और बीकानेर की पुलिस को कहे कि अगर आप इस मामले को निष्पक्ष जांच नहीं करते हो तो आप क्या पुलिस जनता की सेवा करोगे। आपको क्या लगता है इस लव जिहाद को लेकर, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और क्या लेते हैं अब अशोक गहलोत एक्शन, अब इंतजार रहेगा अशोक गहलोत के एक्शन का। क्या अशोक गहलोत यूपी की तरह कानून ला पाएंगे राजस्थान के अंदर? क्या अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर बेटियों को बचा पाएंगे? दोस्तों ये थी खबर, और ऐसी खबरों से लेटेस्ट खबरों के साथ अपडेट होने की कोशिश करते हैं। तब तक आप बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ। नई खबरों के साथ मिलते हैं।